तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई ऐसे तो हम अगर आप देखोगे तो शील्ड के जो भी फैंस हैं उनके लिए सैड न्यूज़ आई है। शील्ड जब WWE में हुआ करती थी तब तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, रियल लाइफ के अंदर भी भाई काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। बट अभी सेथ रॉलिंस ने ऐसे अपडेट दी है जहाँ पर आपको शील्ड के फैंस को बहुत ज़्यादा ब्रोकन देखने को मिल रहा है, मतलब कि शील्ड के फैंस जो है बहुत ज़्यादा सैड हैं क्योंकि ऐसे अपडेट ही आई है। उस अपडेट को चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर। एंड ऑल्सो जिला फातू यानी कि उमागा के सन सोलो सिकोवा उसोस रोमन रेंस के कजिन्स एंड ये जो है भाई WWE के अंदर आने वाले हैं बहुत जल्द। एंड ब्लड लाइन का हिस्सा बनने वाले हैं, इसके ऊपर एक अपडेट आई है, उसको भी चर्चा करते हैं। वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है क्योंकि अपडेट्स उतनी नहीं आ रही हैं, तो इस वीडियो का पूरा देख लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बातों को शुरू कर लेते हैं हम जिला फाटू को लेकर। मैंने अपडेट ये मिस कर दी थी क्योंकि जिला फाटू रियल रेसलिंग में ज्वाइन कर चुके हैं। एक रेसलिंग सोर्स है भाई रियल रेसलिंग, वहाँ पर वो बुकर टी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बुकर टी के पर्सनल कोच हैं। एंड इसके ऊपर WWE सुपरस्टार्स का जो रिएक्शन निकल के बाहर आ चुका है, सबसे पहले शेल्डन बेंजामिन जो हैं रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया है आप आ चुके हो एक और बार, एक और सैमून फैमिली से आ चुका है एंड मुझे पता है कि आप आगे जाके हर एक सुपरस्टार को क्रश करोगे, मतलब कि तोड़ फोड़ दोगे, कुछ इस तरीके से शेल्डन बेंजामिन का रिस्पॉन्स आया है। उसी को ट्वीट करते हैं जिमी जे उसो एंड वो कहते हैं कि ही इज़ अप नेक्स्ट यानी कि भाई वो अगला मेंबर है ब्लड लाइन का। ऐसे कुछ जे एंड जिमी उसो का कहना है भाई। अपडेट्स का भी यही कहना है कि आगे इन फ्यूचर यानी कि 2-3 साल बाद आपको जिला फाटू ब्लड लाइन के अंदर मेंबर बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ एक क्विक अपडेट थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर जो कि आती है विलियम रीगल को लेकर। विलियम रीगल ऑफिशियली AEW से निकल चुके हैं, एग्जिट मार चुके हैं एंड AEW के अंदर आ रहे हैं। ये तो बहुत सारे अपडेट्स थी, मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी। बट टोनी खान ने खुद से बता दिया है भाई कि ये ऑफिशियली हो चुका है कि विलियम रीगल AEW छोड़ के जा चुके हैं। उनका जो कहना है भाई इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने कहा कि जी हाँ जो रूमर्स आ रहे थे विलियम रीगल जा रहे हैं तो कंफर्म है वो जा रहे हैं एंड जा चुके हैं। एंड जो रियल रीज़न उन्होंने बताया, टोनी खान ने उनसे पूछा गया कि रियल रीज़न क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर दो रियल रीजन्स हैं। वो है कि वो अपने सन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं पर्सनली, इसी वजह से वो WWE की तरफ जा रहे हैं। एंड सेकेंड रीज़न है कि वो WWE से इतना जुड़ गए थे कि उनको AEW आने के बाद जो है WWE की याद आ रही थी, याद नहीं ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है, बट उन्होंने कहा कि हाँ वो WWE में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि WWE भी एक मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से विलियम रीगल हमारी कंपनी छोड़ के गए हैं। तो कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं भाई। टोनी खान ने खुद से बता दिया कि विलियम रीगल ऑफिशियली AEW को छोड़ के जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर जो कि आती है CM Punk को लेकर। भाई CM Punk अभी तो AEW से गायब से हो चुके हैं, पता नहीं फायर हो चुके हैं एंड अभी उनको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ये पता नहीं है भाई। बट CM Punk बार बार टीज कर रहे हैं WWE का रिटर्न। जी हाँ सही सुन रहे हो, स्टोरी लगाई है इन्होंने दो। एक स्टोरी भाई इन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाया था, ये स्टोरी इनकी मैच थी बहुत पुरानी, तब तो शायद मैं बहुत छोटा था भाई, ये इनकी मैच है यहाँ पे, इसका एक सेलिब्रेशन वाला फ़ोटो है। एंड उसके बाद जो है देख पा रहे हो यहाँ पे आप सेकंड फ़ोटो, तो ये दो फोटोज इन्होंने लगाई हैं जो कि WWE के ही हैं, WWE के एंट्रेंस के ही हैं, WWE कंपनी के ही हैं। अब पता नहीं भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं CM Punk, बट देखते हैं। होप सो अपडेट्स भी आ रही हैं कि CM Punk रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, उतनी कड़क अपडेट नहीं है इसी वजह से मैं वीडियो के अंदर नहीं बता रहा। तो भाई ये कुछ अपडेट्स हैं CM Punk को लेकर। उन्होंने खुद से ही भाई टीज़ किया है कि वो WWE के अंदर फिर से आ सकते हैं। अगर आप अक्सर देख रहे हो जो भी WWE में रिटर्न कर रहा है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे ट्वीट वगैरह कर देता है, फोटो वगैरह शेयर कर देता है। तो ये कुछ अपडेट थी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट को लेकर जो कि आती है शील्ड को लेकर। अब शील्ड को हम क्या समझते थे रोमन सेथ एंड डीन एम्ब्रोस को, कि भाई ये बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा। बट ये चीज़ें नहीं हैं, ये गलत हैं भाई। अपडेट दी है सेथ रॉलिंस ने अपडेट दे के बताई है भाई एक इंटरव्यू के अंदर। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अपने तो शील्ड का 10 ईयर एनिवर्सरी हो चुकी है, काफ़ी अच्छी गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं शील्ड का पार था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये कुछ उन्होंने कहा। एंड उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, बट हमारा जो अभी रिलेशनशिप है उतना करीब नहीं है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा मिलते नहीं हैं। एंड जो भी कह रहा है कि हम रीयूनियन हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, पॉसिबल थिंग है, एक चीज़ हो सकती है जहाँ पर हम रीयूनियन हो सकते हैं, वो है हॉल ऑफ फेम के अंदर। हॉल ऑफ फेम के अंदर जब हम कंडक्ट हो जाएंगे तीनों लोग, वहाँ पर हम रीयूनियन हो सकते हैं, ऐसे कुछ सेथ रॉलिंस का कहना है भाई। एंड उन्होंने कहा कि आप देखो हमारा
हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा इसलिए नहीं है। रोमन अपनी जगह बढ़िया है, डीन एम्ब्रोस ने कंपनी छोड़ के वहाँ पे AEW के अंदर गया है, वहाँ पे वो बढ़िया है, एंड जो मैं कर रहा हूँ वो भी बहुत बढ़िया है। तो अब अपना तीनों का जो लेवल है वो लेवल अप हो चुका है। अब हम तीनों लोग एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड वगैरह नहीं करते जितना पहले किया करते थे, ऐसे कुछ सेथ रॉलिंस के वर्ड्स रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है पहले जितना रिलेशनशिप नहीं है, पहले जितनी दोस्ती थी उतनी दोस्ती अभी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी भाई, यही कुछ अपडेट्स थी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।